हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम से रेलवे, आरपीएफ ग्रुप डी, एसएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, और इसके अलावा दोस्तों, अब मैं एक अन अकेडमी पर भी एजुकेटर हूँ, तो अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, उसमें मेरा चैनल स्टडी और टारगेट सर्च कर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रणनीतिक धातु कहा जाता है तो टाइटेनियम को। ठीक, टाइटेनियम को जो है रणनीतिक धातु जो है कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है तो गैंग। ठीक, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसको जो है गैंग कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है तो फ्लक्स। ठीक, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है तो फ्लक्स कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है तो धातुमल। ठीक, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है तो धातुमल कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्न सिल्वर अयस्क है तो चांदी का। ठीक, हार्न सिल्वर किसका अयस्क है तो चांदी का अयस्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवी इस्पार अयस्क है तो बेरियम का। ठीक, हेवी इस्पार किसका अयस्क है तो बेरियम का अयस्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है तो मैग्नीशियम। ठीक, मैग्नीशियम धातु जो है नाइट्रोजन में जलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे से जंग लगने से बना पदार्थ है तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कौन सा है तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है तो FeS2। ठीक, FeS2 जो है झूठा सोना के नाम से जो है जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है तो गंधक को। ठीक, गंधक को जो है तांबा का जो है शत्रु कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है तो अर्जेंटाइट से। बहुत बड़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट से जो है किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है तो स्वर्ण आभूषणों पर। ठीक, स्वर्ण आभूषणों पर जो है हॉलमार्क का जो है चिन्ह लगाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवकूफ़ों का सोना यानी फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है तो पाइराइट्स को। ठीक, आयरन पाइराइट्स को जो है बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जो है जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है तो शीशा का। ठीक, संचायक जो बैटरियाँ होती है उसमें शीशा धातु का जो है प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है तो थोरियम। ठीक, थोरियम जो है भारत में जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है तो ऑक्सीजन को। ठीक, ऑक्सीजन को जो है प्राणवायु गैस जो है कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनों का सम्राट कहा जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है रसायनों का जो है सम्राट कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के खोज करता है तो लोकेयर। ठीक, लोकेयर जो है हीलियम के जो है खोज करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। ठीक, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हीलियम गैस जो है हाइड्रोजन गैस से हल्की होती है। ठीक, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर जो है हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि हीलियम गैस जो है हाइड्रोजन से जो है हल्की होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी वैक्स है तो पैराफिन। ठीक, पैराफिन मोम जो है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो है मोम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल। ठीक, टमाटर में जो है एसिटिक अम्ल जो है पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की। बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट की जो है बनी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है तो एनिलिन। बहुत बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, रबड़ उद्योग में बहुलता से जो है एनिलिन जो है प्रयुक्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी का तत्पर है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनकोट बनाया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट से, ठीक। रेनकोट किससे बनाया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट से जो है बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलान बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है तो एडीपी अम्ल, ठीक है। एडीपी अम्ल जो है नायलान बनाने के लिए जो है प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, ठीक। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जो है नोबेल का तेल जो है कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, छारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है तो साबुनीकरण, ठीक। छारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है तो साबुनीकरण कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक है तो थियोफ्रेस्टस, ठीक। थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु से, ठीक। जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो शैवाल के, ठीक। शैवाल के उपस्थिति के कारण से जो है लाल सागर का जो है लाल रंग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कोर्टिकोलस, ठीक। वृक्षों की छालों पर जो कवक उगते हैं वो क्या कहलाते हैं तो कोर्टिकोलस कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कोप्रीफिलस, ठीक। गोबर पर जो कवक उगते हैं वो क्या कहलाते हैं तो कोप्रीफिलस कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा परागण कहलाता है तो हाइड्रोफिली, ठीक। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है तो हाइड्रोफिली कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोड़ी चूर्ण प्राप्त होता है तो जड़ों से, ठीक। काफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोड़ी चूर्ण जो है किससे प्राप्त होता है तो जड़ों से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है तो निकोटीन, ठीक। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है तो निकोटीन पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,4-D है तो खरपतवारनाशी, ठीक। 2,4-D क्या है तो खरपतवारनाशी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है तो फफूंदी, ठीक। फफूंदी जो है पादप रोगों का जो है सबसे उत्तरदायी कारक है। तो दोस्तों ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।